फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गूगल शीट को कैसे यूज करते हैं। गूगल शीट को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए हम ब्राउजर को ओपन करते हैं। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने अपने जीमेल अकाउंट के साथ लॉगिन कर लेना है उसको। अगर जिसके पास अपना जीमेल अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आप अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट कीजिए, उसके बाद गूगल पे लॉगिन कीजिए। ये देखिए, तो गूगल में हमें राइट साइड में ये एक ऑप्शन मिल जाती है गूगल एप्स की, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी ओपन हो रहा है गूगल, तो ये देखिए यहां पे हमने जाना है ड्राइव पे। ये देखिए हमारा गूगल ड्राइव ओपन हो रहा है। तो चलिए हम चलते हैं न्यू ऑप्शन पे। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे गूगल ड्राइव में न्यू ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको गूगल शीट्स की ऑप्शन मिल जाती है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहां पे आपने क्लिक करना है ब्लैंक स्प्रेडशीट के ऊपर। ये देखिए हमारा जो गूगल शीट है वो ओपन हो चुकी है। ये सेम टू सेम एक्सेल के जैसी है, जैसे हम एक्सेल में काम करते थे वैसे ही हम गूगल शीट में काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका एक बेनिफिट है यहाँ पे, जैसे हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बार बार सेव करने की जरूरत पड़ती है, तो इसमें आपको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, ये ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव में सेव होता जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो सभी ऑप्शंस मिल जाती हैं जो हम एक्सेल में यूज करते थे, और इस उससे ज्यादा एडवांस ऑप्शन भी इसमें है गूगल शीट में। जैसे हम शेयर भी कर सकते हैं, ईमेल्स के साथ भी अटैच कर सकते हैं, तो बहुत सारी यहां पे ऑप्शन है जो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम यहां पे शीट का नाम देते हैं। तो मैंने नाम रख दिया टीचर्स रिकॉर्ड। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली सेव हो रही है गूगल ड्राइव में, सेव टू गूगल ड्राइव आ रहा है ऊपर। तो यहां पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर। टीचर नेम, डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग डेट,
तो यहाँ भी आप रिकॉर्ड रख सकते हैं, जिस चीज का आपने रिकॉर्ड रखना है वहां पे आप टाइटल दोगे उस चीज का, तो यहाँ पे आप नीचे उस हिसाब से नीचे डिटेल भी दोगे कि क्या आप रिकॉर्ड रख रहे हो। तो चलिए इसमें हम कैसे फॉन्ट को चेंज करते हैं, स्टाइल को चेंज करते हैं, फॉन्ट का साइज कैसे बड़ा करते हैं हम लोग, बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करना है, कलर कैसे चेंज करना हमने, वो सब यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। और एक बात और, तो यहाँ पे आपको ए से लेकर जेड तक कॉलम्स मिलेंगे। अगर आपने और ऐड करने हैं साथ में तो आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे एरो के सिंबल के ऊपर। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे हम तो आपको नीचे ऑप्शंस मिलेगी, इंसर्ट वन राइट, इंसर्ट वन लेफ्ट भी कर सकते हैं और राइट भी। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी कॉलम जो है ऐड हो चुकी है, इंसर्ट हो चुकी है। तो जेड के बाद ए से स्टार्ट होता है, उसके बाद ए बी, ए सी, तो वैसे ही आप ऐड करते जाना आगे, जितनी आपको जरूरत है तो वैसे ही ऐड करते जाना। तो इसमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको 3 शीट्स बाय डिफॉल्ट उसमें मिलती हैं, इसमें आपको बाय डिफॉल्ट एक ही शीट मिलेंगी। अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए नीचे आपको प्लस का सिंबल मिल जाएगा, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये शीट ऐड हो जाएगी। ये देखिए जितनी मर्जी आप शीट्स ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी, तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं हम। ये देखिए तो टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।